हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। मैं हूँ जीशान। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूपी पुलिस में 95,000 पदों पर होगी भर्ती, योगी सरकार ने की घोषणा। यहाँ दोस्तों, यूपी में जो है 95,000 पुलिस की बहाली होने वाली है, और ये जो है बहाली है इसमें सिर्फ यूपी के लोग नहीं भर के, ऑल इंडिया यानी पूरी भारत के लोग कोई भी इसमें भर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि वहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी है उसको वो बेनिफिट मिलेगा, बाकी अगर आप भरते हैं तो आप जनरल में आसानी से भर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये पूरा ऑल इंडिया जॉब है, आप वहाँ बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है, नवंबर में ये वैकेंसी आ जाएगी, जैसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप जोर भरिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके पूरे प्रक्रिया आगे क्या क्या है। जिसे देख रहे हैं दोस्तों, आप जो उम्मीदवार पुलिस विभाग में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने बम्पर भर्तियाँ निकाली हैं। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि करीब 95,000 पुलिस के पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इन पुलिस के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर जो उसका मोड है यानी किस तरह से परीक्षा लिया जाएगा, यहाँ पर साफ क्लियर है कि वो आपका रिटर्न एग्जाम होगा और साथ में क्या है कि शारीरिक परीक्षा भी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, परीक्षा का आयोजन अगले साल 7 से 10 जनवरी तक किया जाएगा, यानी जो परीक्षा है वो 2019 में 7 से लेकर 10 जनवरी के बीच में वो हो जाएगा। यहाँ सब कुछ क्लियर है। फिलहाल अभी भर्ती को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही भर्ती संबंधित जानकारी यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट upipolice.gov.in पर जानकारी देकर इसको जारी कर दी जाएगी। दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका वेबसाइट है। जो भी वैकेंसी आएगा दोस्तों नवंबर तक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। आप यहाँ पर चेक करते रहिएगा रेगुलर, इसका जो वेबसाइट का ना यहाँ देख लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अब दिखा रहा है कि जाने भर्ती के बारे में, भर्ती कैसे होगी ये बता रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC के 51,000 पद पर से अधिक पुलिस वालों की जल्द भर्ती करेगा। इस नई भर्ती में 20% महिलाओं को फायदा मिलेगा। यहाँ दोस्तों, इसमें जो जो जितने पोस्ट रहेंगे उसमें 20% जो है वो लेडीज़ के लिए रहेगा। इस भर्ती में 51,000 से अधिक पुलिस, 3668 जेल वार्डर और 1669 फायरमैन भर्ती होंगे। इस नई भर्ती में पहले की परीक्षाओं में पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। ऐसा फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने पिछली भर्ती के दौरान भाग लिया था और वह पात्र अभ्यर्थी थे, यानी सबको ये मौका मिलेगा, इसमें आपको आयु में छूट मिलेगा। सरकारी बयान के मुताबिक पुलिस की भर्तियों का निर्णय प्रदेश के कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों की कमी को जल्द दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ, देखिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, जो प्रमुख सचिव हैं गृह अरविंद कुमार के मुताबिक पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनके कार्य संस्कृति को बेहतर करने के लिए साल 18 में 37,575 पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में प्रमोशन दिए गए थे। अरविंद कुमार के मुताबिक पुलिस विभाग में सिविल पुलिस और PAC में कुल 2,29,000 से अधिक पद जो कि सरकारी प्रावधान में स्वीकृति है, इतने दोस्तों यहाँ पोस्ट हैं यूपी में, जिनमें से 97,000 से अधिक पद अभी तक खाली हैं। यहाँ दोस्तों 97,000 से अधिक पद अभी तक यूपी में खाली हैं। पुलिस कर्मियों की कमी को जल्द पूरा करने के लिए 51,216 पुलिस कर्मियों की जल्द भर्ती की जाएगी। इसके अंतर्गत 32,000 पदों पर सिविल पुलिस के कर्मचारी और 19,216 पदों पर PAC के कर्मियों की नई भर्ती की जाएगी। दोस्तों ये था अपडेट कि यूपी के बारे में, कि बहुत जल्द 95,000 पुलिस की बहाली होने वाली है। इसमें ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, जो यूपी के हैं उसको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, जो SC ST OBC है। बाकी ऑल इंडिया के भरिएगा तो आप जनरल में भर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है आपको वहाँ पर नौकरी होने का। इसलिए दोस्तों आप जोर भरिए। और दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया गया है पहले ही भी निकाली गई थी भर्तियाँ, ये पहले की भर्ती के बारे में है, इसको मैं नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि जो आपको 95,000 भर्ती दोस्तों वो है, और ये जो है आज तक जो है बहुत ही नामी ये कंपनी है, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, जो कि वो लोग बहुत ही छानबीन के बाद ही कोई न्यूज छापती है दोस्तों। इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नवंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।